कंपनी आपण मानको स्वागत करछि ओडिसा रे असंता 76 तम स्वाधीनता दिवस को दृष्टि रखी गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग प्रमुख शासन सचिव उषा पाठी राज्यव्यापी पौर संस्था गुड़िकर प्रस्तुत समीक्षा करीडियो कन्फरेन्सी जरिया अनुसूचित एक बैठक में डीएमए देवाशीष सिंह और अतिरिक्त सचिव रवींद्र कुमार साहू समेत पांचटी महानगर निगम समस्त पौर संस्थार कमिश्नर और कार्यनिर्वाही अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा समय श्रीमती पाढ़ी देशभक्ति और यार एकता भावनार नहीं स्वाधीनता दिवस पालन उपर गुरुत्वारोप कर हरघर तिरंगा अभियान में सक्रिय भाव में अंशग्रहण करने को से समस्त पौर संस्था मान अनुरोध करते प्रत्येक पर गर्वर सह जातीय पताका उत्तोलन करने को उत्साहित करते देशव्यापी उत्सवर एक गुरुत्वपूर्ण अंश होता यह पदक्षेपर उद्देश्य हूँ नागरिक मानते निजर भावना एवं जातीय गर्वर भावना सृष्टि करने देशर सामूहिक भावनार प्रतिफलित कार्यक्रम को सफल करने उपयुक्त समन्वय एवं योजनार आवश्यकता उपरे से गुरुत्वारोप करते अगस्त 15 तारीख में राज्यर कोण अनुकोण में जपणी स्वाधीनतार भावना सह मिले एवं चलित बर्ष स्वाधीनता दिवस उत्सव को समस्त नागरिक मानक स्मरणीय एवं एकजुट अनुभूति में परिणत करने समस्त पौर संस्था मानक निष्ठार सह कार्य करने को श्रीमती पाढ़ी अनुरोध कर आज भुवनेश्वर लोकसभा भवन ठारे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ओडिशा खणि निगम विभिन्न कार्यर समीक्षा करछंती। एही अवसर मुख्यमंत्री कहिथिले जे ओडिशा खणि निगम राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निगम खणि क्षेत्र को आहुरी क्षमतार सह परिचालना कले अधिक राजस्व आसिबा सहित खणि भित्तिक शिल्पानुष्ठान गुड़िक लाभवान हेबे। ओडिशा रे खनिज संपत्ति भरपूर हो रही है। अत्याधुनिक ज्ञान कौशल द्वारा सर्वे कराई राज्यर विभिन्न अंचल खनिज संपदर आकलन करा से गुरुत्व देते एथस राज्य में आहरी अधिक खणि भित्तिक शिल्प प्रतिष्ठा दृष्टि देवाक मुख्यमंत्री कही राज्य में खणि उत्तोलन खणि विभाग अधीन संस्थागुड़ी सुदृढ़ कर अत्याधुनिक जंत्रपाति सहित दक्ष मानव संबल विनियोग कले लौह जातीय खनिज संपदर उत्पादन वृद्धि पावी से कही एथस खणि प्रदूषण द्वारा प्रभावित होता लोक मान स्वास्थ्य समस्या प्रति दृष्टि देवाक मुख्यमंत्री कहते से आहरी खणि अंचल प्रायतः आदिवासी लोक मैंने से आर्थिक और सामाजिक उन्नति खणि क्षेत्र में नियोजित कंपानी काम करने मुख्यमंत्री परामर्श दे खणिगुड़िकर पारदर्शिक अंचल शिक्षा और स्वास्थ्य विकास शुद्ध पानी जल जोगाण दारिद्र्य दूरीकरण सुदृढ़ गमनागमन व्यवस्था उपर गुरुत्व देवाक मुख्यमंत्री ओडिशा खणि निगम चेयरमैन और परिचालना निर्देशक को निर्देश देते सीएसआर प्रमुख अंश खणि अंचल आदिवासी जीवनशैली विकास और उन्नति खर्च होगा आवश्यक बोली मुख्यमंत्री प्रकाश करते सूचना योग्य जे ओडिशार विभिन्न शिल्पानुष्ठान जो मानकर निजस्व खणि नहीं ओडिशा खणि निगम कंचामाल जोगाई दिए तेणु यार उत्पादन क्षमता वृद्धि करने नित्यांत आवश्यक क्रोम्र बड़ उत्पादक सह लुहापथर क्षेत्र में देशर चतुर्थ बृहत उत्पादनकारी निगम भाव ओडिशा खणि निगम मान्यता पाई एही समीक्षा बैठक में खणि और इस्पात मंत्री श्री विभूति भूषण जेना मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहुजा मुख्यमंत्री अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री निकुंज बिहारी धल खणि और इस्पात विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री डी के सिंह अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव श्री शाश्वत मिश्र एवं ओडिशा खणि निगम अध्यक्ष तथा परिचालना निर्देशक श्री बलवंत सिंह उपस्थित थे। नाफेड माध्यम रे उत्तर प्रदेश रु ओडिशा आसिबो आळु ओडिशा रे आळु संकट दूर करबा पई सरकार विधिवत भाबे निष्पत्ति ग्रहण करुछंती एणिकी राज्य सरकार नाफेड माध्यम रे आळु किणिबा सहित खाउटी मानक किलोग्राम पिछा 30 टंका रे जोगाई देबे एहा द्वारा खाउटी मानक सुलभ दर रे आळु उपलब्ध कराइबा सह राज्य रे आळु संकट दूर होई परिबो बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री श्री कृष्णचंद्र पात्र एथिपाई प्रथम पर्यायर 300 मेट्रिक टन आलू पाई नाफेड माध्यम रे ऑर्डर प्रदान करा जाई छी।
ଏହା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। विक्रय निमन्ते आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने को मंत्री विभागीय अधिकारी मानंकु निर्देश देछ। पश्चिमबंग रु भुवनेश्वर आसिला पांचटी आलु गाड़ी। आज भुवनेश्वर आईगिणिया कुबेरपुर आलु गोदाम रे पहुंचिला पश्चिमबंग रु आसिथिबा पांचटी आलु बोझी ट्रक। चारि दिन हेब आलु न आसिथिबारु खाली पड़ी गोदाम। तबे भुवनेश्वर रे 20 रु 25 ट्रक आलु दरकार थिबा बेले आसिछि मात्र पांचटी ट्रक। ओडिशा बाजार रे आलू संकट जोगु कमुनी दर। भुवनेश्वर रे 45 रु 50 टंका, कटक छत्र बाजार रे 60 टंका, जगतसिंहपुर रे 50 रु 60 टंका और बालेश्वर रे 35 टंका रे बिक्री करा जाउछि आलू। भुवनेश्वर खोलिला चावल एटीएम। भुवनेश्वर मंचेश्वर अंचल रे देशर प्रथम स्टैंड एलोन चावल एटीएम। जदि एही एटीएम सफलतार सह कार्य करे तेबे आगामी दिन में सब जिला और सब ब्लॉक रे खोलिब चावल एटीएम। एही एटीएम रु जने हिताधिकारी को पई 25 केजी चावल बाहरबार व्यवस्था करा जैछि। सब जिला रे जे कोनोसी हिताधिकारी एही एटीएम रु चावल काढ़ि पई ଫଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ଦଲାଲି ସହଜରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭରାତ୍ରୀ।